अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और बड़े मज़े में होंगे। रमज़ान अच्छा जा रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो बहुत अच्छा जा रहा है। आखिरी अशरा अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो अल्लाह ताला इस आखिरी अशरे के सदके हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर दे और सब मुसलमान बहन भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती दे दे, और जितने भी फसादात पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मुसलमानों पर हो रहे हैं उन सबको अमन और सुकून से ख़त्म कर दे। आमीन। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज सहरी में सिर्फ मैंने पराठे बनाए थे और साथ में फुल फ्राई एग बनाए थे। कल का सालन बचा हुआ था वो भी साथ में यूज़ किया था, और जो है वो दही भी बनाना था। आज लस्सी भी बनानी थी लेकिन टाइम हमारे पास शॉर्ट था, इसलिए मैंने लस्सी नहीं बनाई, तो जस्ट दही जो है वो खा लिया था। गर्मी अचानक से फिर बहुत ज़्यादा हो गई है और उसकी वजह से दिल जाता है ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को, और कुछ डेली बेस पे फ्राई चीज़ें भी बनती हैं और खजूरें वगैरह भी खा रहे हैं, तो थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा फील हो रही है। और मुझे था कि आज हम लस्सी ज़रूर पिए पराठे के साथ, तो लेकिन टाइम नहीं मिला। बच्चों का आज जो है फुल फ्राई एग खाने का प्लान था, और मेरा प्लान जो था वो ऑमलेट खाने का था, लेकिन सालन भी ऑलरेडी बचा हुआ था, तो इसलिए यही सोचा कि साथ में सालन फिनिश कर लिया जाए और जस्ट फुल फ्राई एग बना लिया जाए। और उसके बाद जो है वो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो सहरी कंप्लीट की। चाय के लिए भी बहुत कम टाइम बचा था, आज थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं। एक्चुअली मैं सोई थी थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ा सा लेट उठी थी, अदरवाइज़ मैं सोती नहीं हूँ। शेड्यूल हमारा बहुत अच्छा बन चुका हुआ है कि हम सहरी के बाद ही सोती हूँ, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही जो है वो मैं नैप लेती हूँ, उससे पहले मैं सोती नहीं। लेकिन आज थोड़ी सी थकावट ज़्यादा थी और मुझे फुट पे बहुत ज़बरदस्त चोट भी लगी थी, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सो जाती हूँ। मेडिसिन मैंने ली और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और बहुत ज़ोर से पाँव मेरा जो है बेड पर लगा था और मुझे चोट आ गई, फिंगर काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुई थी, तो फिर स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने मेडिसिन लगाई और उसके बाद मैंने एक पैनाडोल ली थी और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए आराम किया। तो बच्चों ने मुझे जो है वो 2:30 बजे उठाया था, और फिर मैं जल्दी जल्दी उठी और आटा भी गूंदना था, आटा गूंदा और उसके बाद जल्दी जल्दी जो है वो सहरी बनाई, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम जो है वो शॉर्ट था मेरे पास। उसके बाद जो है वो मैंने आज बहुत सारे प्लान्स किए हुए थे, मार्केट भी जाना था, लेकिन अब पाँव पे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई है, तो अब जैसे ही पाँव ठीक होगा तो तब ईद की शॉपिंग करने के लिए जाऊंगी। अभी तक बच्चों के लिए और अपने लिए ईद की कोई भी शॉपिंग नहीं की, और आज का पक्का प्लान था कि हमने मार्केट जाना है और अच्छी सी शॉपिंग करेंगे, लेकिन वो डिले हो गया। तो एनीवेज कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला जब नसीब में लिखा होगा तो हम ज़रूर जाएँगे, और जो भी हमारे अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा होगा हम वही लेंगे और अच्छी सी ईद मनाएंगे। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और बुरी आफात से आफतों से बचाए। और आज जो है बड़ा अच्छा दिन गुजरा, थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी, नींद थोड़ी पूरी हो गई थी। एवरीडे बच्चे जो हैं वो चाहते हैं कि हम डिफरेंट कोई चीज़ खाएं, क्योंकि अहमद जो है अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े रख रहा है, और मोहम्मद जो है वो भी दरमियान दरमियान में रोज़े छोड़ता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है इस साल रोज़े उसने रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल हुआ हुआ है, और मैंने जो है वो बच्चों को रोज़ा रखवाया। उसके बाद उनसे कहा था कि वो नमाज़ पढ़ लें और कुरान पढ़ लें। छोटे बच्चों के कैंपस में काफ़ी ज़्यादा हैट्रिक बच्चों के लिए रूटीन उन्होंने सेट की है,
एक श्री मोहम्मद की जो है फोर्थ कैट भी हो रही है और साथ में असेसमेंट टास्क भी हो रहे हैं। अब सेम डे पे पहले बच्चे फोर कैट के जो है वो देंगे और उसके बाद असेसमेंट टास्क वो भी क्लियर करना है। तो दोनों चीज़ें बड़ी मुश्किल हुई हैं। मैंने तो स्ट्रीम पे काफ़ी मैसेजेस किए थे कि ये जो चीज़ है वो आप इस तरह से ना करें, अगर फोर्थ कैट हो रही है तो उसके साथ असेसमेंट टास्क जो है वो ना लें। तो इससे बच्चे दोनों चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि रोज़े भी रख रहे हैं और साथ में अफ्तारी सहरी की तैयारी भी, उसमें भी पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो अल्लाह ताला उनकी मदद करे। और काफ़ी मुश्किल हुआ है, डांट भी बहुत खा रहे हैं आजकल बच्चे, तो बड़ी मुश्किल से उनको बिठाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने मोबाइल भी यूज़ करना होता है। तो ये सब चीज़ें सब बहुत मुश्किल से मैनेज होती हैं, तो पेरेंट्स के लिए जो है वो सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। तो एनी हाउ आप बताएं, आप लोग की घर की रूटीन कैसी चल रही है और आजकल जो है वो कैसे रोज़े चल रहे हैं? मैंने अपने लिए जो है वो थोड़ा सा हाफ़ फ्राई बनाया था एग, और बच्चों के लिए फुल फ्राई बनाया था। साथ में चाय बनाई थी, आज चाय पीने को बहुत दिल चाह रहा था और लिटरली आज थोड़ा सा लेट हो गई थी तो मैंने हाफ़ कप जो है वो चाय पिया था। और सारा दिन मेरा सर में इतना दर्द हो रहा था और बहुत ज़्यादा जो है सुस्ती आई हुई थी, और साथ में पाँव में इतना शदीद दर्द था। तो पहले मैंने पैनाडोल खाई और उसके बाद फिर मैंने पैनाडोल खाई और फिर उसको जो है वो मेडिसिन लगा के तो उसको स्वेलिंग ख़त्म करने के लिए भी मैंने पट्टी की। तो सारा दिन बस इसी तरह मेरा गुजर गया दर्द में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा जो है वो अच्छा था, गुजर गया। और अभी जो है आजकल जो है वो लास्ट रशा चल रहा है, तो इसके लिए ज़्यादा जो है इसमें मैं इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं करती, तो मोस्टली ये होता है कि थोड़ी सी शॉपिंग हो जाए, वापस आके रेस्ट करके फिर इबादत कर ली जाए। तो इस तरह से हम रूटीन जो है वो लास्ट अशरे की बनाते हैं। और लास्ट में जो है वो इसी अशरे में जो है मैं शॉपिंग वगैरह करती हूँ, उससे पहले मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करती। और साथ साथ जो है वो आपके साथ इंशाल्लाह शॉपिंग का व्लॉग जो है वो भी शेयर करूँगी। और मैंने बहुत सोचा हुआ है, लिस्ट बनाई हुई है क्या क्या मुझे परचेज़ करना है, क्या क्या लेना है, ताकि टाइम की बचत हो जाए। अगर आपने पहले से ऑलरेडी लिस्ट बनाई हो कि हमने इस दिन इस मार्केट में जाना और यहाँ से ये परचेज़ करना है, तो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है और टाइम की बचत हो जाती है। और इसके अलावा जो है वो सालन जो है वो भी मैंने साथ में होल्ड किया था, कढ़ाई थी जो लास्ट मैंने इफ्तारी करवाई थी, उसकी कढ़ाई बची हुई थी, तो वो फिर मैंने गर्म कर ली और वो भी साथ में जो है मैंने सर्व की थी। इसको मैंने अच्छे तरीके से पैन में ही गर्म किया था, क्योंकि माइक्रो में सालन जो है वो इतने अच्छे से गर्म नहीं होता, और मुझे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से गर्म सालन चाहिए होता है, मैं ठंडा सालन नहीं खाती हूँ शौक से। और कढ़ाई जो है बड़ी मज़े की थी, वैसे मॉर्निंग में सालन जो है वो कम ही खाती हूँ, लेकिन चिकन कढ़ाई थी तो इसलिए मैंने और बच्चों ने जो है वो टेस्ट कर लिया। आज मेरे हस्बैंड जो बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे, तो वापसी में वाटरमेलन लेकर आए थे, तो उनको जो है वाटरमेलन बड़ा पसंद है, तो वो कह रहे थे कि आज हम अफ्तारी में जो है ये खाएंगे, तो आप इसको काट के ना फ्रिज में रख दो ताकि ये अफ्तारी तक ठंडा हो जाए। तो वाटरमेलन का मैं बहुत अच्छा वो बनाती हूँ शरबत, तो बड़ा मज़े का बनता है। जस्ट इसको जो है वो ब्लेंड करती हूँ और काला नमक डालती हूँ, काली मिर्च डालती हूँ और थोड़ी सी चीनी डाल के आइस डाल के बहुत मज़े का बनाती हूँ। लेकिन अभी रमज़ान है तो रमज़ान में तो हम ये रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि समटाइम इससे जो है वो लूज़ मोशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो है वो पेट को साफ़ करता है और बॉडी में जो है वो हीट को ख़त्म करता है, तो अभी समर के लिहाज से तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आफ्टर रमज़ान इंशाल्लाह ताला ये मैं आपके लिए ज़रूर रेसिपी लेकर आऊँगी और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और बड़ा रिफ़्रेशिंग सा होता है, आइस डलती है इसमें ठंडा ठंडा, और बच्चे बड़े शौक से पीते हैं। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने अफ्तारी बनाई थी, फिर मैंने जो है मैं सो गई थी
फिर जोहर के टाइम उठी और उठ के जो है वो मैंने अफ्तारी की तैयारी की थी। अफ्तारी में जो है वो मैंने आज चिप्स बनाई थी, तो पोटैटोज़ जो हैं वो भी मैंने काट लिए थे और काट के मैंने अच्छे तरीके से धो के वॉश करके तो उसको मैंने बनाना था। और इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं थोड़ा सा पहले बना लेती हूँ, तो उसके बाद जो है वो चिकन का सालन काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा था कि मैं बिरयानी बना लूँगी, बिरयानी वाला पुलाव, तो वो बड़ी जल्दी से बन जाता है। तो मैंने दोपहर को जल्दी से अनियन को पिंक किया, उसके बाद ज़ीरा और काली मिर्च डाली और साथ में जो सालन पड़ा हुआ था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसमें जस्ट मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था क्योंकि सालन में थोड़ा नमक कम था और ये चावल बनने जा रहे थे तो उसमें थोड़ा सा नमक और ऐड करना था। इसमें लहसुन अदरक प्याज सॉरी टमाटर दही कुछ भी नहीं डालना था क्योंकि ऑलरेडी चिकन में हर चीज़ जो है वो ऐड थी, बस जस्ट मैंने चिकन जो है वो सारा उसमें ऐड किया और साथ में मैंने बिरयानी मसाला जो है वो इसमें ऐड किया था, तो उससे जब बहुत ही मज़े का टेस्ट आया था। आपके पास अगर चिकन वगैरह पड़ा हो तो आप इस तरह से पुलाव वाली बिरयानी जो होती है वो बना लिया करें, इसको देगी पुलाव भी कहते हैं या देगी बिरयानी भी कहते हैं, तो ये सिंधी बिरयानी जो है ना उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो बहुत ही मज़े की बनती है। जब चिकन वगैरह बचा हो तो इस तरह से बिरयानी बना लेनी चाहिए और बहुत क्विक रेसिपी है। तो मेरा आज का काम बहुत इजी हो गया था और खाना भी बन गया था, सब ने इतने मज़े से बिरयानी खाई थी। और ये वाली बिरयानी मेरे बच्चों को इतनी पसंद नहीं है, लेकिन आज की जो रेसिपी थी वो बच्चों को बहुत पसंद आई क्योंकि काफ़ी दिनों से एक्चुअली उन्होंने राइस नहीं खाए हुए थे, तो इस वजह से उन्होंने बड़े शौक से राइस खाए थे। रमज़ान में राइस जो है वो इतने ज़्यादा नहीं पकते और वैसे ऑलमोस्ट मेरे घर में डेली बेस पे जो है वो राइस बनते हैं। ये मैंने बिरयानी मसाला का हाफ पैकेट जो है इसमें ऐड किया था और बाकी जो चीज़ें सब ऑलरेडी सालन में डली हुई थी। फिर मैंने जो है इसमें राइस धोकर रखे हुए थे आधे घंटे के लिए मैंने भिगोए थे और वो इसमें मैंने ऐड कर दिया, ऐड करके मैंने पानी डाल दिया और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। इतनी झटपट रेसिपी थी, बहुत मज़े की। इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है जो जल्दी से बन जाती हैं। वैसे तो सारी कुकिंग जो है वो मैं बहुत जल्दी करती हूँ, तो लेकिन इस तरह अगर आपके पास ऑलरेडी सालन वगैरह बचा हो तो इस तरह से खाना बनाना बड़ा इजी हो जाता है, बड़ा मज़ा आता है। फिर मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड किया था, ज़रा अच्छा सा कलर आ जाता और जी हमारी झटपट बिरयानी तैयार हो गई थी। रमज़ान का तीसरा अशर चल रहा है तो उसकी ही वजह से इबादत का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मौका अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। साथ साथ मैं कुकिंग करती हूँ, साथ साथ मैं अपनी इबादत भी करती रहती हूँ, तो आजकल जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा विर्द करना शुरू किया, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन्नार, ये तीसरे अशर की दुआ है। तो चलते फिरते आप सर पर दुपट्टा ले लें, वज़ू किया हो आपने तो आप जो है वो काम करते हुए ये विर्द ज़रूर करें, अस्तग़फ़ार की तस्बीहें भी पढ़ें और चलते फिरते जो है तस्बीह के बगैर अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन अस्तग़फ़रतु व अतूबु इलैह, इसका भी विर्द ज़रूर किया करें। अस्तग़फ़ार करने से अल्लाह ताला रोज़ी में बहुत ज़्यादा बरकत देते हैं और जो है इसका अजर अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इसके साथ साथ अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार वो भी पढ़ा करें, आखिरी अशरे की दुआ है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका विर्द बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे अल्लाह की इबादत करने की और दुआएं मांगने की, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगा करें। अब मैंने फिंगर फ्राइज बनानी थी तो उसके लिए पोटैटो मैंने काटे और इसको ठंडे पानी में डिप करके रखा और उसके बाद कॉर्नफ्लोर ऐड करके ऊपर से स्प्रिंकल करके इसको अच्छे से मिक्स किया था, मिक्स करके मैंने इसको फ्राई कर दिया था। साथ साथ नगेट्स भी मैंने फ्राई किए और जो है वो चिकन फ्राइज थी वो फ्राई की थी और रोल्स बनाए थे। फ्रूट में जस्ट मैंने वाटरमेलन रखा था।
बच्चों ने रोल का भी मुझे कह दिया था कि हमने रोल खाने हैं, तो इसलिए वो भी मैंने निकाल लिए थे और उसको मैंने फ्राई किया। आज मैंने रोल को जो है वो एक बार फ्राई करने के बाद उसको सेपरेट करके रख दिया था, और उसके बाद मैंने फिर रीफ्राई किया था उसको। उसकी वजह से रोल इतने क्रिस्पी बने थे और बहुत मज़े के थे आज। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो अगर आप ट्रिक्स यूज़ करते हैं तो खाना जो है उसमें टेस्ट अच्छा आ जाता है। टेबल मैंने जो है खाने से सारा मुकम्मल सेट कर दिया था, और आपको जो है वो मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मुझे बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखना है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।